चलती है, पुलिस को आगे चलती है, सरकार हमसे चलती है, पुलिस को आगे चलती है, सरकार हमसे चलती है, पुलिस को आगे चलती है, सबसे पहले पुलिस को आगे चलती है, सरकार हमसे चलती है, पुलिस को आगे चलती है, मुस्लिम उत्कर्ष समिति के तरफ से आज रास्ता रोको आंदोलन रखा गया है। उसका कारण ये है कि आए दिन हमारे को पहले बीजेपी से डराया गया, तुम्हारा आरक्षण काट लेंगे। उसके बाद आज हमारे दो साल हो गए ये शासन को, ये सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, लेकिन आरक्षण के बारे में कोई सोचते नहीं, मुस्लिम समाज के नौकरी के बारे में कोई सोचता नहीं, सिर्फ हमारे को यूज़ करने का काम कर रही है मुस्लिम समाज को। तो ऐसी सरकार को, दोनों ही सरकार, केंद्र की भी सरकार और महाराष्ट्र सरकार, इनको हम जगाने के लिए आए क्या? हमारे सिर्फ वोट लेके, बस वोट लेने का और काम करने का ऐसा नहीं चलेगा। हमारे को जो मुस्लिम आरक्षण है वो 20% मिलने को मांगता, उसके लिए आज नासिक जिले के तरफ से हम यह आंदोलन करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर हमारा आंदोलन, हमारे आरक्षण के लिए अगर ये सरकार नहीं सोचती है, तो हम आने वाले दिनों में संसद का घेरावा करेंगे। और जो 36 तालुके में पूरे खड़े रह के हम पूरे समाज को जगाएंगे और ये आरक्षण हम लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। क्यों कि आज आप बोलते हैं अल्पसंख्या अल्पसंख्या, पहले अल्पसंख्या का सोचने को ना, बाद में दूसरे का सोचने को मांगता। जो आरक्षण कांग्रेस ने हमारे को दी थी, लेकिन बीजेपी सरकार आई उसने बंद कर दी, लेकिन आज ये तीनों की सरकार है, ये सरकार ने सोचने को मांगता। आज दो साल हो गए, हमारे आरक्षण के बारे में कोई सोई तक्का नहीं ले रहा।